शिवराज सरकार ने एक बार फिर किसानों के हित में फैसला लिया है। चना, सरसों, मसूर की फसल की खरीदी पंजीयन की तारीख बढ़ा दी गई है, 25 फरवरी से बढ़ाकर 10 मार्च तक कर दी गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए उनकी संवेदनशील सरकार है। मैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले किसान हैं और बाद में मंत्री, इसीलिए हम लगातार किसानों के हित में फैसले लेते रहेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनका एक एक दाना खरीदेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी हमने 25% फल खरीदी का प्रस्ताव भेज दिया है, जिसकी शीघ्र अनुमति प्रदेश को प्राप्त हो जाएगी। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में सरकार ने सरसों, राई, रायरा को सरसों प्रजाति में ही माना है, इसलिए किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपनी फसल का नाम राई रायरा लिखवाया है, उसे सरसों प्रजाति का ही मानकर सरकार खरीदी करेगी। उन्होंने बताया कि पोर्टल में आई दिक्कतों को ठीक कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार खुशखबरी है कि फसलों की बंपर पैदावार हुई है, किसान के हर कदम पर सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमल के फूल की सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी खुद किसान है और मैं स्वयं किसान हूँ, पहले किसान है बाद में मंत्री, हम मुख्यमंत्री हैं, और इसलिए किसानों की समस्या हमको अच्छी तरह पता है। अभी 25 फरवरी कल आखिरी तारीख थी पंजीयन की, चना, सरसों, मसूर की, क्योंकि भारत सरकार कृषि विभाग के माध्यम से नेफेड के द्वारा खरीदी की जाती है चना, सरसों, मसूर की, और पूरा पंजीयन अभी हो नहीं पाया, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील मुख्यमंत्री उनके मार्गदर्शन में हमने तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब ये तारीख 10 मार्च तक होगी, 15 दिन हम और बढ़ा रहे हैं ताकि एक एक किसान का चना, सरसों, मसूर का पंजीयन हो जाए। दूसरा, सरसों, रायड़ा और राई एक ही चीज है, लेकिन रायड़ा और राई जहाँ फसल बोई हुई है उनका पंजीयन नहीं हो रहा, तो हमने निर्देश दे दिए डायरेक्टर को, वहां से संशोधन हो गया है कि तीनों को एक ही माना जाएगा। तो किसान जिसने राई, रायड़ा या सरसों लिखवाया है, तीनों को सरसों प्रजाति माना जाएगा और उनकी खरीदी होगी, उस पर पोर्टल में संशोधन कर दिया गया है, अब उनका भी पंजीयन हो सकेगा। दूसरा, चने का भी पंजीयन होगा। दूसरी खुशखबरी यह है कि इस बार मौसम बहुत अच्छा है, फसलें बहुत अच्छी आई हैं, उत्पादन भी बंपर होने वाला है और किसानों की फसल भी हम पूरी खरीदेंगे। भारत सरकार को हमने प्रस्ताव भेज दिया है, भारत सरकार जितना उत्पादन होता है उसका 25% खरीदती ताकि किसानों को मूल्य अच्छे मिल सके, बाजार में डिमांड बढ़ती रहे, और इसलिए पंजीयन की हमने तारीख बढ़ाई है ताकि सभी किसानों का पंजीयन आसानी से हो जाए। किसान भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 10 मार्च तक आप पंजीयन करा सकेंगे, और हमने पोर्टल भी सुधार दिया है। आपके फसल में अगर चने की जगह सरसों है, सरसों की जगह गेहूं है, उसको भी हमने निर्देश दे दिए सभी कलेक्टरों को कि वो पटवारियों को आप जाकर आवेदन दे दें तो आपका संशोधन हो जाएगा ताकि आपको पंजीयन कराने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।